दोस्तों फिर से आपका स्वागत है प्रांतोस्टिक चैनल पे। तो देखिए ये जो प्री ऑर्डर का बोर्ड है ये सारे, तो जितने भी सर ने मेरे को प्री ऑर्डर दिया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे हेल्प करने के लिए एडवांस पेमेंट करके। और ये जो बोर्ड है ये 70% तक बोर्ड रेडी हो चुका है। इसमें सिर्फ कॉयल और पीछे में जो है हमारा मॉस्फेट और हीट सिंक के साथ कसेगा, तो ये लगभग रेडी है। और भी 8-10 पीस बाकी रह गए हैं, वो भी बन रहा है, पीछे में बन रहा है। तो वो कम्प्लीट होने के बाद ये जो 16 तारीख को बताया था उसी दिन ये कुरियर होगा। और जैसे बताया था पीसीबी का जो क्वालिटी वगैरह वही है, आप लोग देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कुछ लोगों ने जो मेरे को पूछा था कि सर मुझे भी लेना है, एक्चुअली मेरे पास जितने भी स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है। तो उन लोगों के लिए मैंने कुछ सोच रखा है, 12 तारीख के बाद कोशिश करते हो, अगर एक वीडियो अपलोड होगा 12 तारीख के बाद, अगर अपलोड होता है तो आप जल्दी से ऑर्डर कर दीजिएगा। प्री ऑर्डर आपके लिए भी 4 से 5 दिन के लिए प्री ऑर्डर रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया पहले वाला का। आज जो एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, ये तो सारे खुद का जो मैन्युफैक्चर वाला बोर्ड है, आज जो हम दिखाएंगे दोस्तों, आज एक कुछ अलग टाइप का बोर्ड मैंने लेके आया हूँ मार्केट से, जो नॉर्मल बहुत पॉपुलर हुआ था बहुत पहले। एक्चुअली ये 2 साल पहले का बोर्ड लॉन्च हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा भी, तो मैंने भी एक उठा के लाया हूँ। एक्चुअली ये मेरे एक जो जान पहचान के पास पड़ा हुआ है, तो दोस्तों जिस चीज़ पे मार्केट में बहुत पहले वो लॉन्च हुआ था, तो मेरे एक जान पहचान के पास ये जो बोर्ड है अभी जो दिखाने वाला हूँ, ये बोर्ड तकरीबन 20 से 25 पीस पड़ा हुआ है। तो ये भी सेल के लिए आप लोगों के लिए लाया हूँ, तो इसका जो प्राइस रहेगा वो भी हम वीडियो में बताएंगे। और इसका अगर ये सही प्रोडक्ट होता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो उससे में एक मैंने उठा के लाया हूँ जो मेरे से शायद वो अगर ये अच्छा होगा तो सारे सारे अच्छा होगा। और आपको कैसे मिलेगा वो ही आप लोगों के सामने ही इसको ओपन करेंगे और इसको टेस्टिंग भी आप लोगों के सामने ही करेंगे। अगर ये सही निकलता है तो आप लोग ऑर्डर डालिएगा, और इसका जो प्राइस होगा वही हम इस वीडियो के अंदर बता देंगे। मार्केट में ये 1950 या 1850 में मिलता है, लेकिन हमारा चैनल में बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा आपको। चलिए दिखाते हैं कौन सा बोर्ड है, आप लोग देख लीजिए। ये जो बोर्ड है दोस्तों ये बहुत पहले का बोर्ड है, ये सील पैक मैंने ऐसे कि उठा लाया हूँ, और इस तरह का ही आपको मिलेगा पैकेट में, ठीक है। वैसे जैसे पैकेट आता है आप लोग अगर देख सकते हैं कि अगर ओरिजिनल पैकेट होता है जैसे पैकेट में आता है चाइनीज से, तो हमारा इंडिया में जो ऐसा पैकेट कभी मिलता नहीं है जो लोकल वाले के पास, तो ऐसे पैकिंग देख सील पैक ही आपको मिलेगा। तो ये मेरे को टेस्टिंग के लिए मैंने एक लाया हूँ कि चलो पहले टेस्ट कर लेता हूँ, अगर ये सही प्रोडक्ट होता है तो फिर आगे आप लोगों को हम शेयर करेंगे कि हाँ ये ख़रीद लीजिए, ये सस्ते में इतने में आपको मिल रहा है। तो वीडियो के साथ बनी रहिए, इसका सारे चीज़ के बारे में बताएंगे और इसको क्या क्या चेक कर लेना है सप्लाई देने से पहले, और कैसे चलाना है वो भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। चलिए इसको इस पैक को पहले निकलता है इसके अंदर से। देखिए ये एम्पलीफायर निकल चुका है इसके अंदर से, तो ये है वो एम्पलीफायर, बहुत ही छोटा है। तो ये डिज़ाइन जो एसएमडी में बनाया गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर ये जिस प्राइस में मिलेगा उस प्राइस में अगर ये चलता है तो बहुत बढ़िया है। इसमें सारे इनबिल्ट होता है, तो इसका जो भी है सारे चीज़ बता देंगे। और ये दोस्तों सारे चाइनीज प्रोडक्ट है, ठीक है, सीधा चाइना से आता है, बाहर से आता है, ये हमारा घर पर बना हुआ नहीं है, इंडिया में कहीं पर भी बना हुआ नहीं है। तो इसको पहले हाथ में लेने के बाद पहले आपको चेक करना है कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ डिफेक्ट लग रहा है आपको। अगर कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि हाँ इसमें शोल्डरिंग कम है या इसमें शोल्डर शॉर्ट हो चुका है, तो पहले उसको रिमूव करना है। तो इससे मतलब कि बोर्ड हाथ में आने के बाद अच्छे से बारीकी से इसको चेक करिए, बिना सप्लाई देने से पहले इसके नीचे से जो हीटसिंक के नीचे से भी चेक करिए, ये जो शोल्डर वगैरह किया हुआ है मॉस्फेट में वो ठीक ठाक है कि नहीं, कोई एक्स्ट्रा शोल्डर आ गया है कि नहीं किसी के ऊपर, वो अच्छे से चेक करना है पहले। तो वही चीज़ मैं पहले कर रहा हूँ कि हाँ ठीक ठाक है, तो मेरे को लग रहा है ये ठीक ठाक है, तो सारे शोल्डर ठीक पोजीशन पे ही है। तो ये बिल्कुल छोटा सा बोर्ड है, इसमें ऑडियो इनपुट देना है आपको, और इसमें सप्लाई और स्पीकर आउट के लिए दिया हुआ है, शायद इसमें लिखा भी होगा, एक सेकेंड कोशिश करता हूँ देखने में। हाँ इसमें इस वाले में माइनस दिया हुआ है, नेक्स्ट वन जी मतलब ग्राउंड लिखा हुआ है, फिर प्लस दिया हुआ है, और उसके बाद ऐसे उसको कनेक्टर लगा रखा है, इसका दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से,
ये क्या है, दोनों एक जैसा लग रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट एक जैसा ही लग रहा है मेरे को। फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप लोग छोटा मोटा रिपेयर वगैरह करते हैं तो ये कर सकते हैं। ये जो नेगेटिव पॉइंट है तो इसको उल्टा करके दीजिए, ये नेगेटिव वोल्टेज के लिए होगा इस पॉइंट, और ये जो पॉजिटिव पॉइंट है ये वाला पॉइंट देखिए कहाँ पर जाता है, एक बार देख लीजिएगा आप ध्यान से, ठीक है। इस पॉइंट जाता है इस पॉइंट में, इस पॉइंट पे जाता है ग्राउंड। अगर उल्टा करके देखेंगे तो राइट साइड से स्पीकर पॉजिटिव, देन ग्राउंड, देन मेरा जो हाई वोल्टेज पॉजिटिव है, फिर ग्राउंड, फिर माइनस नेगेटिव हाई वोल्टेज जो है। तो ये तो होगा सिंपल सा, और इसमें ऑडियो इनपुट देना है। ऑडियो इनपुट भी यहाँ पे आराम से देख सकते हैं आप। ये वाला पॉइंट अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये वाला ग्राउंड है, ये ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है सारे बॉडी में, और ये वाला इनपुट सेक्शन है, ठीक है। और कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों, इसको सप्लाई देंगे, सप्लाई देके इसको चेक करेंगे। और एक चीज़ है इसका मतलब, ये जितने भी आप YouTube पे वीडियो देखेंगे सारे ने बताया है कि इसमें ये सप्लाई जब लगाएंगे आप, देखिए मेरे को एक चीज़ आ गया मेरे हाथ में, देखिए जो फ़ैन है, फ़ैन ये ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब फ़ैन ठीक से टाइट नहीं है। तो मैंने क्या करूँगा, इसको ठीक से टाइट कर दूँगा, ये सप्लाई देने से पहले अच्छे से टाइट कर लूँगा। देखिए फ़ैन ये एक तो गलत मेरे को निकल आया, मैंने एक फॉल्ट इसको ढूंढ लिया कि ये फ़ैन है ये ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब ये टाइट फिट नहीं है, तो ये हाथ में आ गया। तो ऐसे भी मॉस्फेट का हीट सिंक जो है इसको देख लेना है, और इसको और दो चीज़ देखना है कि ये मॉस्फेट का जो हीट सिंक लगा हुआ है, हीट सिंक के साथ मॉस्फेट का किसी भी वो ड्रेन कनेक्टेड है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें सेपरेटेड दिया हुआ है, फिर भी अगर ठीक से ना दिया होगा तो ये कनेक्ट हो सकता है बॉडी के साथ, वो भी हम चेक कर लेंगे। अगर कनेक्ट होता है तो प्रॉब्लम आ जाएगा बाद में, तो पहले ही हम चेक कर लेंगे कि हाँ ये कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये बहुत ही सस्ते में आने वाला है दोस्तों, ये जो नेट में मिलता है उससे कई गुना सस्ता में मिल जाएगा। और इसके अंदर भी कुछ SMD प्रोडक्ट है, मुझे देखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए और एक फॉल्ट मेरा मिल गया। तो ये जो चीज़ है, थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको अच्छे से बारीकी से देख लेना है दोस्तों। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैंने और एक फॉल्ट इसमें से निकाल लिया, देखिए इसमें एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर आप लोग शायद देख सकते हैं कि नहीं, मेरे को पता नहीं, इस पोजीशन पे एक कैपेसिटर है, देखिए ये SMD जो थ्रू होल नहीं है, ऐसे ऊपर से लगा हुआ है कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर का जो पिन है ये ओपन है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट है, मेरे को और एक फॉल्ट मिल गया, ये ओपन हो चुका है, तो एक किस पोजीशन से ओपन हुआ है, उसका नीचे जो है, इसके नीचे जो सोल्डरिंग पोर्ट था, मतलब हमारा PCB का जो सोल्डरिंग पॉइंट था, वो उखड़ चुका है। तो इसको मेरे को ध्यान से देखना है कि ये किस पोजीशन के साथ कनेक्ट हुआ था। ये 330 EF 10 वोल्ट का लगा हुआ है, तो इसको मेरे को ढूंढना है कि किस पोजीशन से ये उखड़ा है। चलिए ये एक्चुअली इतना कॉम्पैक्ट साइज में बना हुआ है, अगर उसको निकालना है तो पहले ये दोनों साइड का जो है कैपेसिटर है इसको निकालना होगा, फिर इसको हम ट्रेस कर पाएंगे। चलिए वही कर लेते हैं पहले। ये जितना भी फॉल्ट होगा ये बारीकी से आपको चेक कर लेना है, क्योंकि ये सील पे कैसा आता है तो ऐसे ही सील होगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है, एक बार देख लेते हैं कहाँ से वो ट्रैक हटा है, ये कैपेसिटर ओपन हो चुका है किस पोजिशन पर, वो एक बार चेक कर लेते हैं। फैन को मैंने हटा लिया हूँ, अभी टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ इसका बीच में क्या फॉल्ट है। फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसका ट्रैक वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। मेरे ख्याल से ये जो ट्रैक है, हाँ मुझे मिल गया है, देखिए ये कॉयल को थोड़ा साइड में हटाने के बाद मुझे मिला है। मैं कोशिश करूँगा इसको ऊपर से सोल्डरिंग करने का। ये जो है इसमें 104 कहके एक जो हमारा इसमें लगा हुआ है, R33 कह के एक जो रेजिस्टेंस है उसके एक सिरा से वो कैपेसिटर पे गया हुआ है। चलिए इसके ऊपर से ही हम सोल्डर करेंगे, कोशिश करता हूँ सोल्डर करने का, और कुछ खोलने का ज़रूरत है नहीं मुझे, सोल्डर करने की कोशिश करता हूँ इसमें। अभी सोल्डर लाइन से हम इस पोजीशन से ही, इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से ये जो रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट से हम उसमें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों मैंने ये सोल्डर काट चुका हूँ, एक्चुअली ये ओपन हुआ था R33 से, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया हूँ बिना कुछ ओपन करके, वायर लगा दिया हूँ मैंने।
तो अभी इस पॉइंट तो ठीक है, अभी हम चेक करेंगे इसका जो है दोस्तों हीटसिंग वगैरह कैसे टाइट फिट है कि नहीं। ये तो टाइट फिट ही लग रहा है हीटसिंग, ये जो है ये ज़्यादा टाइम चलाने के लिए इसमें देखिए ये जो है ये कॉयल भी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है कॉयल में, तो इस कॉयल को भी थोड़ा सा ग्लू से चिपकाना होगा। पहले ऐसे ही रहने देता हूँ, चेक करता हूँ, उसके बाद ये जो फिक्स्ड हो जाएगा फिर हम ग्लू लगा के इसको फिक्स्ड कर देंगे। और अभी देखना है कि ये जो मॉस्फेट है, मॉस्फेट का जो ड्रेन है, ड्रेन और सोर्स एक साथ शॉर्ट हुआ कि नहीं, वो पहले चेक करना है। चलिए वो मीटर से चेक कर लेता हूँ पहले दोस्तों, क्योंकि ये सारे चीज़ है कि ये बाहर से आया हुआ है किट है, तो हो सकता है डैमेज वगैरह हो सकता है थोड़ा मोड़ा, या बहुत सारा ह्यूज पूरी जो होता है उसका ह्यूज वो उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उस टाइम जल्दी से करने से ये भी हो सकता है कि मॉस्फेट जो है या जो ट्रैक है वो शॉर्टिंग हो सकता है, तो उसको बारीकी से चेक करना है मुझे। उसके बाद हम इसको सप्लाई के बारे में सोचेंगे, पहले हम इसको चेक कर लेंगे हाँ ये शॉर्ट हुआ कि नहीं, ये सारे मॉस्फेट को हम थोड़ा थोड़ा बारीकी से इसको चेक कर लेंगे। चलिए मॉस्फेट को एक बार चेक कर लेते हैं ये शॉर्ट हुआ कि नहीं। चलिए दोस्तों मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखता हूँ, अभी हम इसको चेक करेंगे कि हमारा मॉस्फेट वगैरह साइज ठीक ठाक है कि नहीं। तो इसका ड्रेन दोनों, इसका ड्रेन और सोर्स को चेक करता हूँ। एक्चुअली एक हाथ में मेरा मोबाइल है, थोड़ा सा परेशानी आ रहा है, चलिए फिर भी आप लोगों के लिए देखता हूँ वो कैसे किया जा सके। ये जो ड्रेन है, ये ड्रेन जो होगा ये प्लस वोल्टेज के साथ होगा एक ड्रेन, तो इसका पॉजिटिव सप्लाई जो है ये वाला है, हाँ ये तो ठीक है। तो इसके साथ हम सोर्स को भी चेक कर सकते हैं, हाँ ठीक है, गेट को भी चेक कर सकते हैं, तो ड्रेन में आया हुआ है। और जो नेगेटिव सप्लाई होता है दोस्तों, ये नेगेटिव सप्लाई के साथ एक का सोर्स का कनेक्ट होता है, ये वाला पॉइंट सोर्स है, तो ये सोर्स के साथ हम इसको जो हमारा माइनस सप्लाई है ये होना चाहिए, हाँ ठीक ठाक है, सॉरी हाँ ठीक ठाक ही है दोस्तों, ये ठीक ठाक काम कर रहा है। तो ड्रेन में हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, तो ड्रेन में पॉजिटिव सप्लाई देख लिया, ड्रेन पे पॉजिटिव सप्लाई है और सोर्स में नेगेटिव सप्लाई जा रहा है। और इसके साथ और बाकी भी कनेक्शन देख ले तो बीप करता है कि नहीं, ठीक है, कोई बीप वाला पॉइंट है नहीं, मतलब ये मॉस्फेट ठीक ठाक है, कोई कनेक्ट नहीं है। तो हम अभी और एक चीज़ चेक करेंगे कि हीटसिंक के साथ कनेक्टेड है कि नहीं मॉस्फेट। हीटसिंक में एक प्लग को लगाएंगे, हीटसिंक में एक प्लग को लगाने के बाद हम एक बार चेक कर लेंगे इस पॉइंट से। हीटसिंक मतलब ये हीटसिंक जो है इस नाट के साथ कनेक्टेड है, तो हम इस पॉइंट से ही हम चेक कर लेंगे कि हाँ इसका ड्रेन के साथ, ये मॉस्फेट का ड्रेन के साथ कनेक्टेड है या ऐसा ठीक है, सेपरेटर है कि नहीं एक बार देख लेंगे, हाँ ठीक है सेपरेटर है, इस पॉइंट से भी सेपरेटर है, ठीक है। तो मतलब इसका भी हम ड्रेन को चेक कर लेंगे और इस मॉस्फेट का ड्रेन को भी चेक कर लिया हूँ, सारे बिल्कुल ठीक ठाक बता रहा है, अभी इसको सप्लाई देके हम चेक करेंगे। चलिए फैन को पहले कस लेता है, ये जो है ये वायर कनेक्ट करने के समय मैंने फैन को हटाया था, फैन को अभी हम इस पॉइंट पे सोल्डरिंग कर लेंगे, इस पोजीशन पे था तो हम इस पॉइंट से हम इसको सोल्डर कर लेंगे। चलिए सोल्डर कर लेते हैं, जिस पॉइंट से निकाला था उसी पॉइंट पे मैंने सोल्डर कर दिया हूँ फैन को, तो हम फैन ऐसे उल्टा करके लगा हुआ था शायद इसमें, हाँ ऐसे ही लगा देंगे। चलिए नाट को कस लेते हैं फैन का, फैन को कस दिया मैंने, तो दोस्तों ये बिल्कुल अभी चलने के लिए रेडी है, इसको सप्लाई देंगे, सप्लाई देके इसका ऑडियो टेस्ट करेंगे आप लोगों के सामने। ये सक्सेसफुल रन होगा तो ऐसे समझो 20 से 25 पीस स्टॉक में अवेलेबल है जो सस्ते में मिल जाएगा, फिर हम इसको रेट बताएंगे, क्योंकि आप लोगों के सामने ही मैंने ओपन किया है। तो ये 500 जो क्लेम हो रहा है दोस्तों, ये 400 के करीब आता है, उससे ज़्यादा आता नहीं है, तो बेहतर होगा ये 350 RMS में आप चलाइए, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा अगर ये चलता है तो। एक्चुअली ये जो 2092 IC है, इस IC का परफॉर्मेंस इतना होता है, तो ये मेरे को ये मालूम है, तो कोशिश करता हूँ, चलिए देखता हूँ इसका सप्लाई देके ये परफॉर्म करता है कि नहीं। और एक चीज़ दोस्तों बहुत ही अच्छे से ध्यान पे रखिएगा, ये क्लास डी एम्पलीफायर है, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग करता है, तो ये किसी भी सरफेस पे, ऐसे सरफेस पे रखिए कोई इसका ग्राउंड लूपिंग ना हो, कुछ ऐसा ना हो, तो उस पोजीशन पे लगाइए, बेहतरीन होता है। एम्पलीफायर के अंदर फिट करके ये जो पेज वगैरह है इसको कस के जिस पोजीशन पे लगना है उस पोजीशन पे फिट करके चेक करना है। तो मैंने तो अभी सिर्फ क्या करूँगा कि एक प्लास्टिक का जो हमारा डिब्बा है, जो कंपोनेंट रखता हूँ मैं उसका, तो इसके ऊपर ही हम चेक कर लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर ही हम चेक कर लेंगे।
और इसके लिए भी सप्लाई बंदोबस्त करना होगा। पहले ये कितना वोल्ट पे ऑपरेट होता है, ये एक्चुअली 60 वोल्ट होना चाहिए, सारे लोग बताते हैं सिर्फ 50 वोल्ट के ऊपर जब होगा तब भी ये रन करेगा, फिर भी मैं ये 40 वोल्ट से कोशिश करूँगा, अगर ना हो तो फिर आगे आगे हम इसका वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो चलिए इसका सप्लाई का जुगाड़ लगाता है, सप्लाई कनेक्ट करता हूँ। तो एक्चुअली ये जो है ये अगर चलता है तो ठीक है, अगर ना चले तो आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है कितने में मिलेगा, इसलिए मैं अभी तक बता नहीं रहा हूँ। तो इसको आप लोगों के सामने ही मैंने सील ओपन किया है, ऐसे सील बहुत सारे पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो धीरे धीरे आपको बनवा रहा हूँ, और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है शायद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। जिसको लेना है आप लोग ये वीडियो देखिए और कनेक्शन वगैरह देखिए, क्योंकि ये सीधा चाइना से आता है तो ये थोड़ा मोड़ा हो सकता है, इसका इसमें डिफेक्ट आ सकता है, तो वो डिफेक्ट को पहले आंखों से चेक करना है। जैसे मैंने एक निकल लिया कि इसमें हाँ जो कैपेसिटर था वो ओपन था, ये पहले मेरे आंखों में आ गया, तो ऐसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और ये हीटसिंक के साथ इसका जो ड्रेन का पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, कनेक्टेड है कि नहीं, होना नहीं चाहिए, वो अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर सेपरेटर होता है, तो ये सेपरेटर कभी कभार क्या होता है पेच कसने के समय सेपरेटर इधर उधर हो जाता है, तो उस टाइम इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, तो वो भी अच्छे से देख लेना है। चलिए इसको अभी हम सप्लाई देते हैं। और जो दोस्तों एक चीज़ है, इसको जितने भी यूट्यूब पे देखेंगे कि बताता है कि ये बिना स्पीकर लोड पे आप मत चलाइए, कभी कभार दोस्तों ऐसा हो सकता है कि हमारा एम्पलीफायर से स्पीकर हट गया हो सकता है, तो उसी बात तुरंत ख़राब होता है, तो इसके लिए इसके साथ एक चीज़ मिलेगा, थोड़ा सा एक जो डैमी लोड होता है, डैमी लोड वाला पार्ट भी आपको हम इसके साथ प्रोवाइड कर देंगे, मतलब आपका स्पीकर कनेक्ट ना रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपका स्पीकर कनेक्ट ना हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ आपको हम दे देंगे, ये स्पीकर कनेक्ट ना हो तब भी चलेगा, ये स्पीकर लाइन जो आपका मेन एम्पलीफायर का साथ लगाइए, या इस पोजीशन पे लगा दीजिए, या नीचे से लगा दीजिए, इसके अंदर पेच कस दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका स्पीकर का जो टर्मिनल है कैबिनेट के साथ जाता है, तो उस पॉइंट पर लगा दीजिए, तो ये एक डमी लोड की तरह काम करता है, तो आपका एम्पलीफायर ख़राब नहीं होगा स्पीकर हटने के बाद भी। चलिए इसको सप्लाई देते हैं, पहले चेक करते हैं। मैंने इसके साथ इसको सोल्डर कर दिया, और अभी इस पोजीशन पे हम सब मेन सप्लाई कनेक्ट करेंगे, और अभी हम स्पीकर नहीं कनेक्ट करेंगे, बाद में स्पीकर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो इसका जो प्राइस है हमारे पास, हमारा जो स्पीकर है इसके कई गुना ज़्यादा है प्राइस है, तो हम इसके वजह से हम स्पीकर ख़राब नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने पहले स्पीकर इसको साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, पहले हम इसको ऐसे ही नॉर्मल सप्लाई देके चेक करेंगे। दोस्तों देखिए, ये मैंने कनेक्शन कर दिया हूँ, ये ऐसे लगा के रखा है, पहले ही देखा है, तो ये जो है नेगेटिव, देन ग्राउंड, देन पॉजिटिव, देन ग्राउंड, देन स्पीकर आउट। अभी स्पीकर आउट और ग्राउंड में ये दोनों ओपन है, अभी कुछ लगाया नहीं मैंने, और ये मैंने सप्लाई के साथ फैन दिया, ये दो कॉन्डेंसर का सप्लाई है, ये 15,000 mAh का कॉन्डेंसर है, और इसमें मैंने कनेक्शन कर दिया। ये वायर अभी थोड़ा पतला है, क्योंकि अभी हम नॉर्मल से टेस्ट कर रहा हूँ जो बोर्ड है वो रनिंग है कि नहीं, तो हम इसको वोल्टेज को चेक कर देंगे। चलिए पहले ऑन करते हैं, ऑन करने के साथ साथ इसका फ़ैन चालू हो जाएगा, क्योंकि ये फ़ैन जो है टेम्परेचर सेंसर वगैरह कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट फ़ैन है, तो ये फ़ैन को आप इस पोजीशन से मत निकालिएगा दोस्तों, जब बताएंगे कि दूसरे से सप्लाई देंगे तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इसका जो रेगुलेटर सेक्शन है इस फ़ैन के लोड के हिसाब से ही बनाया हुआ है, तो आप ये फ़ैन को निकाल देंगे तो आईसी को वोल्टेज ज़्यादा जाएगा, आपका आईसी ख़राब हो जाएगा, ऐसा मत करिएगा कि इसको निकालना है, ऐसे ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमिंग वगैरह कुछ नहीं आता है इस फ़ैन के लिए। चलिए ऑन करके देखते हैं, पहले ये सीरीज में लगा रहा हूँ मैंने, बाद में हम डायरेक्ट कर देंगे। देखिए लगाने के साथ साथ ये चालू हो गया है, इसके अंदर एक ये ओपन हो चुका है, देखिए अभी चल रहा है, तो इसके अंदर शायद एक LED भी था, कुछ कुछ बोर्ड में रहता है, इसमें है नहीं, तो होता तो जल जाता, तो ये अभी चालू हो जाएगा, चलने स्टार्ट हो गया। तो अभी सप्लाई वोल्टेज कितना है पहले एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ नेगेटिव को हम चेक कर रहा है, ये देखिए 40 वोल्ट है अभी इसमें, ये 60 वोल्ट 70 वोल्ट तक चला सकते हो, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे 60 वोल्ट या 62 वोल्ट के ऊपर ना जाए, मतलब 60 वोल्ट के ऊपर ना जाए, अभी तो 40 वोल्ट है, अभी भी 20 वोल्ट इंक्रीज कर सकते हैं, ये पॉजिटिव 40 है, ये नेगेटिव 40, ये 40 वोल्ट है, तो ये 40 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। तो अभी हम कुछ लगाया नहीं है स्पीकर लाइन पे, पहले वोल्टेज को चेक कर लेंगे, स्पीकर लाइन पे अगर कोई वोल्टेज आता है तो हमारा स्पीकर को डैमेज कर देगा, DC वोल्टेज को हम चेक कर लेंगे स्पीकर लाइन पे आ रहा है कि नहीं।
है, जीरो दिखा रहा है, कुछ भी है नहीं। तो हम अभी स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्पीकर वायर के साथ हम हमारे पास जो स्पीकर है इसके कनेक्ट करेंगे। ये दो स्पीकर चलेगा, ये 350 वाट के दो स्पीकर है, 300 वाट के दो स्पीकर, मतलब 600 वाट हो गया। तो इसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, फिर इसका ऑडियो को चेक करते हैं, ऑडियो नॉइज आ रहा है कि नहीं, फिर हम ऑडियो को भी चला कर देखेंगे। चलिए स्पीकर को लगा लेते हैं। स्पीकर का वायर है, ये हमारे पास स्पीकर का वायर है, ये दोनों वायर इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। चलिए कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए ये दो वायर मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक से कनेक्ट हुआ कि नहीं और एक बार देख लेता हूँ। अभी हम इसको ऑडियो इनपुट सेक्शन में टच करेंगे। ये हमारा ऑडियो इनपुट सेक्शन था बोर्ड में, तो इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे। देखिए ऑडियो इनपुट आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें ऑडियो इनपुट है। ये जो हो रहा है दोस्तों, ये एक्चुअली वोल्टेज ड्रॉप की वजह से हो रहा है। थोड़ा और ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए मेरे ख्याल से इसमें। चलिए मैं इसे सीरीज में लगाया था, इसको पहले डायरेक्ट करके देखता हूँ क्या होता है। इसको हम डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट हो चुका है, अभी और एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है। कुछ हीट अप इशू आ रहा है मेरे ख्याल से। चलिए देख लेता हूँ हीट अप इशू क्या है। इस रेजिस्टेंस से कुछ धुआं निकल रहा था, ये लोड लगाने के बाद भी, तो मेरे ख्याल से इस रेजिस्टेंस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये हीट भी हो चुका है दोस्तों, ये 100 लगा हुआ है, मतलब 10 ओम रेजिस्टेंस है। तो इसको चेक करना है पहले, इसको चलाने के पहले। चलिए चेक कर लेता हूँ ये क्यों ऐसा हीट हो रहा है। हाँ दोस्तों देखिए ये जो चीज़ है, ये वाला एक पीएफ है, तो इस पीएफ को मैंने निकाला, कौन से पोजीशन पे निकाला वो भी दिखा देते हो। देखिए बोर्ड के अंदर आ जाइए, बोर्ड के अंदर इस देखिए इस डायोड के पास एक पीएफ होगा। इस पीएफ को हटाना है आपको, या इस रेजिस्टेंस को रिमूव करना है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों बहुत ही कम वाट का है, और जबल नेटवर्क में इतना कम वाट का रेजिस्टेंस काम नहीं करता है। तो हम तो यहाँ पर अगर बड़ा रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करेंगे तो लगा नहीं सकते, क्योंकि स्पेस बहुत ही छोटा है। इसलिए मैंने क्या किया दोस्तों, और इसके साथ जो एक पीएफ लगा हुआ था ये भी शॉर्ट होने का चांस रहेगा। ये 63 वोल्ट का पीएफ इसमें लगा दिया, लेकिन हमारा वोल्टेज सप्लाई अगर हम 70 वोल्ट दे देंगे तो ये पीएफ शॉर्ट होने का चांस रहेगा। तो इसलिए मैंने इस पीएफ को हटा दिया, मतलब ये रेजिस्टेंस भी फ्री होगा, इसको निकल भी सकते हैं, अगर ना निकला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे क्या करना है इसके साथ, देखिए मैंने बैक साइड में अभी ऐसे करके रखा है, बाद में जो स्पीकर कनेक्टर होगा उस पॉइंट पर चला जाएगा ये सब। देखिए मैंने इसमें एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया और एक पीएफ लगा दिया ग्राउंड के साथ, स्पीकर लाइन से लेके ग्राउंड में आया है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे एक जोबल नेटवर्क बना दिया, और ये तो लोड रेजिस्टेंस है। अगर आपका स्पीकर कनेक्ट ना भी रहे तो आपका ये एम खराब नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ये लोड लगा रखा है। और ये सारे तैयारी कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। अभी क्या करेंगे, इसका टेस्टिंग करने का बारी हो जाएगा। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए पहले तो मैंने 40 वोल्ट दिया था, उसमें थोड़ा सा नॉइज काट कट आ रहा था। तो इसका जो ट्रांसफार्मर रिक्वायर होगा दोस्तों, इसका ट्रांसफार्मर रिक्वायर होता है 38 वोल्ट एसी से 42 वोल्ट एसी ट्रांसफार्मर। कुछ भी ट्रांसफार्मर लगाइए, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता है। तो अभी हम इसको 42.5 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, तो इसका सप्लाई वोल्टेज तकरीबन 64 वोल्ट होगा। तो वो 64 वोल्ट पर हम इसको अभी रन करेंगे, तो आपको वोल्टेज भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और इससे मैंने देखिए मेरा वो ये ब्लूटूथ जो कार्ड है, इसके साथ मैंने एक NCS म्यूज़िक चला के रखा है। तो इसके अभी हम इसको पावर सप्लाई देंगे, और इस पॉइंट पे जो ऑडियो सेक्शन है, देखिए ऑडियो इनपुट सेक्शन है, तो इस पॉइंट पे मैंने कनेक्टर लगा रखा है। तो इस पोजिशन पर हम कनेक्टर लगा के इसको सप्लाई दे देंगे। चलिए दोस्तों सप्लाई दे के इसके गाने को वो चेक कर लेते हैं, इसका क्वालिटी कैसा आता है, इसका साउंड क्वालिटी क्या है, ठीक है। फिर इसका जो फाइनल प्राइस है कितने में मिलेगा और कितने दिन में मिलेगा, वो सारे चीज़ आपको हम बता देंगे इसी वीडियो के अंदर। बनी रहिए, और एक दो मिनट शायद वीडियो लंबा होगा। तो चलिए पहले हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं म्यूज़िक के साथ कैसा परफॉर्म करता है। देखिए दोस्तों अभी हम इसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया हो, तो इसका वोल्टेज भी अभी चेक कर लेंगे कितना वोल्टेज है। और ऐसा जो NCS वाला म्यूजिक है वो तो बैकग्राउंड में चल ही रहा है,
चलिए दोस्तों अभी हम इसको सप्लाई देके चेक करते हैं। पहले तो हम सीरीज में देंगे, बाद में इसको कनेक्ट कर देंगे क्योंकि बड़ा ट्रांसफार्मर है मेरे पास। देखिए इसका फैन चालू हो गया है शायद, देखने की कोशिश करते हैं। हाँ तो हम थोड़ा इसका वॉल्यूम खोलेंगे, वॉल्यूम खोलता हूँ। तो नॉइस क्यों आ रहा है एक बार देखना है मुझे। हाँ ठीक ठाक ही है, मतलब ये ग्राउंड नॉइस कुछ हो रहा है, उसको देखना है मुझे कहाँ से ये कर रहा है। मतलब ये सारे ऐसे नॉर्मली है, लगा रखा है टेम्पोरारी, इसलिए हो सकता है ऐसा। देखिए बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, अभी कोई कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं, कुछ हीट होने का कुछ भी नहीं है, मतलब ये ठीक ठाक हो चुका है दोस्तों। और ये लोड लगा रखा है मैंने, देखिए ऑडियो क्वालिटी आप लोग सुन सकते हैं। थोड़ा डायरेक्ट करके देखता है इसका साउंड क्वालिटी कैसा है दोस्तों। दोस्तों बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हीटअप इशू था थोड़ा बहुत, वो तो ख़त्म हो चुका है। जो हीटअप इशू था वो इस चीज़ के वजह से था कि ये जोबल नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था, तो उसको हम मैंने हटा दिया। और एक बार सुन लेते हैं गाने। चलिए दोस्तों अभी इसके बारे में आते हैं। आपको जो ये किट मिलेगा, जैसे पहले मैंने दिखाया सिलपेक वाला किट ही मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके साथ ये चीज को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एक पीएफ, एक रेजिस्टेंस और एक लोड रेजिस्टेंस जो होता है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये तीनों चीज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये तीनों चीज आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये तीनों चीज आपको कनेक्ट कर लेना है आपका एम्पलीफायर के साथ, मतलब ये जैसे मैंने दिखाया वैसे ही उसको कनेक्ट करना है ये तीनों चीज को। और बोर्ड के अंदर से जो पीएफ मैंने निकल के फेंक दिया है, पीएफ या रेजिस्टेंस आप कुछ भी चाहो निकल के बाहर रख दीजिए, मतलब इसका कोई काम नहीं है। ये जो पीएफ है, ये पीएफ या वो रेजिस्टेंस 10 ओम का आप निकाल दीजिए बोर्ड से, और इस तरह से इसको कनेक्ट करिए। और ये लोड रेजिस्टेंस,
ये तीनों आपको ये बोर्ड के साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बोर्ड सील पैक होगा और ये बाहर से पैकेट के साथ भेज दिया जाएगा आपको। और ये जो है दोस्तों, ये शायद मार्केट में 2000 में 1900 में 2000 के करीब ये सेल हो रहा है, ठीक है, ये बोर्ड 2000 के करीब में सेल हो रहा है। लेकिन अभी अगर आप ऑर्डर करेंगे, 10 तारीख तक हम ऑर्डर लेंगे, आज शायद 2 या 3 4 तारीख हो गया है, ठीक है, 10 तारीख तक हम ऑर्डर लेंगे, 10 तारीख के अंदर जो भी दोस्तों ने ऑर्डर करेगा उनके लिए इसका प्राइस होगा सिर्फ 1450 रुपया। ये सारे कंपोनेंट के साथ 1450 में ये किट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कुरियर चार्ज कुछ नहीं रहेगा, उसके अंदर ही आपको कुरियर हो जाएगा, मतलब 1450 रुपया में आपका घर तक ये पहुंचेगा। ये इसका जो डिलीवरी डेट है दोस्तों, हम जो कुरियर डालेंगे, कुरियर का डेट रहेगा इसका 22 तारीख, ठीक है, 22/7/2022 में हम इसको कुरियर करेंगे, 22 तारीख में ये कुरियर होगा। और इसका जो बुकिंग डेट है दोस्तों, ये 10 तारीख तक है, ठीक है, बुकिंग डेट इसका 10 तारीख है और इसका कुरियर जो डेट है ये 22 तारीख है। और इसका रेट जो है दोस्तों, कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है, इसका रेट सिर्फ 1450 रुपया है कुरियर चार्ज के साथ और ये कंपोनेंट के साथ। तो जितने जल्दी हो सके दोस्तों ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि पिछले जो वीडियो मैंने डाला था उसमें बहुत सारे दोस्तों ने ये उनको मिला नहीं है बोर्ड, क्योंकि उन्होंने डिले कर दिया था ऑर्डर डालने में। ये भी दोस्तों लिमिटेड स्टॉक है, आपको चाहिए तो ऑर्डर डालिए, जितने जल्दी ऑर्डर डालेंगे आप उतने आपका चांस रहेगा उतने कि आपको मिल जाए, ठीक है। ऑर्डर वही एक ही सिस्टम होगा, जैसे पिछले जो बोर्ड आपने ऑर्डर डाला था वही सिस्टम में इसको भी ऑर्डर डालना है दोस्तों। तो ये जो है 1450 रुपया में कुरियर चार्ज के साथ 22 तारीख को कुरियर होगा और आपका लास्ट बुकिंग डेट है दोस्तों 10 तारीख। तो जिसको लेना है 10 तारीख के अंदर पेमेंट डाल दीजिए मेरे इस नंबर पे, फोन पे या गूगल पे से, और अपना एड्रेस चुरिए तो आपका ये 22 तारीख में कुरियर होगा। उसके बाद जितने टाइम लगता है 3 से 4 दिन आपका घर में पहुंच जाएगा, 1450 रुपया में कहीं पे मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो इसलिए मैंने बोला कि ये धमाका ऑफर है, कि ये जो है 1900-2000 में बिकता है आपको सिर्फ 1450 रुपया में इस कंपोनेंट के साथ, और इसका फॉल्ट जो है मैंने बता दिया है तो इस कंपोनेंट के साथ आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो पर।